नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में आज महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बता दें आपको कि दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्रियों के नाम की जो लिस्ट है इस पर मुहर लगाई जाएगी। आपको बताएं कि अब एनडीए नहीं बल्कि बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, और जाहिर सी बात है कि जब सरकार नई है तो मंत्रियों की लिस्ट भी नई होगी, और यही वजह है कि आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक जो है वो मुख्य सचिवालय में होने जा रही है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बैठक बुलाई गई है। साथ ही बता दें आपको कि विधानमंडल का सत्र बुलाने पर भी कार्रवाई जो है उस पर भी जो फैसला है, जो निर्णय है, अब वो लिया जाएगा। यानी कि आज ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि आखिर आगे बिहार में महागठबंधन की सरकार किस तरह से काम करेगी, खास करके किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। ये भी लिस्ट जो है वो आज तैयार कर ली जाएगी। बता दें कि इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपनी इच्छा के अनुसार जो सूची तैयार की है उसे लालू यादव के पास दिल्ली में भेजा गया है, और लालू यादव जैसे ही उस लिस्ट पर मुहर लगाएंगे तुरंत उस लिस्ट पर चर्चा जो है वो आज की कैबिनेट बैठक में की जाएगी। यानी कि बड़ा बदलाव आज से बिहार की राजनीति में होने वाला है। आरजेडी की अगर हम बात करें तो सत्ता में 5 साल के बाद आरजेडी की वापसी हो रही है, तो वहीं 2017 में आरजेडी से अलग होने के बाद साल 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं। तो दिन बेहद खास है और आज खास तस्वीरें भी बिहार से निकलकर सामने आएंगी। दिन भर क्या कुछ तस्वीरें बिहार की राजनीति से देखने को मिलती है, ये तमाम अपडेट्स और खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बन रहे हैं। नीतीश कुमार 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जिसके बाद आज शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें लिस्ट जो है मंत्रियों की इस पर मुहर लगाई जाएगी, और देखने वाली बात होती है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग और कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।